दिल्ली में केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को लेगी अपने कब्जे में। कांग्रेस ने लगाया आम आदमी पार्टी और दिल्ली वक्फ बोर्ड पर भाजपा के साथ हाथ मिलाने का आरोप। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दिल्ली में फिर एक बार सियासी पारा गरमाया हुआ है और ये सियासी पारा गरमाने की वजह है दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियां, जिनमें दरगाह, मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान सभी शामिल है। इन्हें केंद्र की आवास और शहर मंत्रालय द्वारा, यानी केंद्र सरकार का ये एक विभाग है, इस मंत्रालय द्वारा इन 123 संपत्तियों को कब्जाने की, उन्हें अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दरअसल इसी मंत्रालय द्वारा दो सदस्यों की एक समिति गठित की गई थी और उन्हें इस संबंध में जांच तथा निर्णय लेने का और उसकी सिफारिश करने का आदेश दिया गया था। इस दो सदस्य समिति के सामने समूचे मामले की सुनवाई होनी थी, मगर आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस समिति के सामने कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया, कोई नुमाइंदा नहीं भेजा और किसी तरह की कोई आपत्ति लिखित स्वरूप में दर्ज नहीं कराई। वही दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान, इनका कहना है कि सरासर सारी बातें झूठी है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो भी झूठे हैं। इस मामले में कांग्रेस के मेहंदी अली करके एक विधानसभा के उम्मीदवार रह चुके हैं, एडवोकेट है, उनके कुछ वीडियोस है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके आरोप क्या है। 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो है ये लगभग मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी हुई सारी संपत्तियां है और अब केंद्र की भाजपा सरकार का एक मंत्रालय इसे अपने अधीन लेना चाह रहा है। उसी पर जो है कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली वक्फ बोर्ड जिसके चेयरमैन है अमानतुल्ला खान, इन्होंने भाजपा से हाथ मिला लिया है। हाईकोर्ट के आदेश निर्देश के बाद रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो दो सदस्यों वाली समिति गठित हुई उसमें वक्फ बोर्ड ने आपत्ति क्यों नहीं जताई, ऐसा सवाल कांग्रेस ने उठाया है। मेहंदी अली के ये वीडियो वही बता रहे हैं और वो आगे क्या कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे अमानतुल्ला खान, आम आदमी पार्टी के ओखला के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इनका कहना है कि इस फैसले को जो डेप्यूटी लैंड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, ऑफिसर उसके जो ये डेप्यूटी अधिकारी है, उन्हें ये पूरी 123 संपत्तियां अधिग्रहित करने का, उन्हें अपने कब्जे में लेने का काम सौंपा गया है। अमानतुल्ला खान ने दो ट्वीट किए हैं, उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने जो समिति गठित की है उसको भी और केंद्र सरकार द्वारा ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज जो है अधीन करने का काम चल रहा है उसको भी एक रिट पिटीशन के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में हमने चुनौती दी है। बहरहाल मामला गरमाया हुआ है, आज दिल्ली वक्फ बोर्ड है, कल को देश के किसी भी राज्य का कोई भी वक्फ बोर्ड हो सकता है और उसके अधीन आने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की, उनके धार्मिक स्थलों की सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन होगी निशाने पर, ये तो महज एक शुरुआत है। साथियों, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं आपसे रेगुलर बात कर रहा हूँ, दिल्ली वक्फ बोर्ड का हमारे सामने आया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक नोटिस 123 प्रॉपर्टियों पर चिपकाया है, जिसमें ये बताया गया है, और चेयरमैन वक्फ बोर्ड दिल्ली के नाम पर ये नोटिस है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने दो मेंबर कमेटी हाईकोर्ट के कहने से बनाई थी, जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, और उस दो मेंबर कमेटी ने सब लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं गया। ये साफ तौर से इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड उसमें नहीं गया, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। इसका मतलब जो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में ये 123 प्रॉपर्टियां, वक्फ की प्रॉपर्टियां जो वक्फ बोर्ड के अधीन करी थी, जो वक्फ बोर्ड को दी थी, उनको पूरी तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड ने वापस दिलवा दिया गवर्नमेंट को, कोई ऑब्जेक्शन ना देके। तो मेरा सवाल सीधा दिल्ली वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन और दिल्ली सरकार से है कि क्या ये भाजपा के साथ मिलीभगत है? क्या ये दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जिस तरीके से CBI, ED और IT के लोगों ने बुलाया था और उनसे पूछताछ करी थी और उनको जेल भी जाना पड़ा था, क्या उसका कॉम्प्रोमाइज़ किया है या इन प्रॉपर्टियों का किसी के साथ डील हुई है? पूरा देश ये जानना चाह रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इसको लेके हमारे सीनियर एडवोकेट आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब की अध्यक्षता में हम कोर्ट भी जा रहे हैं इस मैटर को लेके, स्टे ऑर्डर के लिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे आबा और अजदाद की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी लड़ाई लड़के ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को दिलाई थी और आज आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने और उनके चेयरमैन ने पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके इन प्रॉपर्टियों को वापस करवा दिया है। बड़े शर्म की बात है, दिल्ली की जनता और पूरी माइनॉरिटी कम्युनिटी
आपसे सवाल पूछ रही है आज चेयरमैन साहब कि आपने ये कैसे इन प्रॉपर्टी को क्या बेच दिया या डर में किया है। मैं तो इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। उसके लिए चाहे हमें आपके घर का घेराव करना पड़े, आम आदमी पार्टी का घेराव करना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, हम ये सवाल पूछेंगे और इन प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं जाने देंगे। जय हिंद।